मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ? किस चिंतन में खोए हो? मैंने तो तुम्हें बनाया है किसी अन्य उद्देश्य से, लेकिन तुम हमेशा परेशान से रहते हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान एक स्थान पर केंद्रित करो। मैंने तुम्हारे अंदर प्रेम, ममता, माया, सौहार्द, सुख, समृद्धि, न जाने कितनी चीज़ें भरी हैं, जिसका एहसास तुम तभी कर पाओगे जब अपने मुंह भी बंद रखोगे और आंखें भी। हाँ मेरे बच्चे, समय समय पर तुम्हें कुछ ना कुछ संकेत, कुछ ना कुछ संदेश हम भेजते रहते हैं। कभी कोई अजनबी इंसान तुम्हारे जीवन में दस्तक देता है, तो कभी यूं ही रास्ते पर हम तुम्हें दर्शन देते हैं। लेकिन अपने मन को यदि तुम शांत रखोगे, तभी तुम हमारी शक्तियों को और हमें किसी भी रूप में पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, प्रेम करना सीखो। प्रेम किसी से भी किया जा सकता है, पशु, पक्षी या किसी अन्य मनुष्य से। अपने मन में क्रोध की अग्नि को हमेशा शांत रखो। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना छोड़ दो। जैसे दूसरे श्रेष्ठ हैं, वैसे ही तुम भी श्रेष्ठ हो। कोई किसी से कम नहीं है और सभी हमारी ही संतान हैं। इसीलिए तुम सब कहीं ना कहीं एक समान ही हो। इसीलिए अपने मन से भेदभाव को मिटाओ। एक इंसान दूसरे इंसान से जब प्रेम करता है, तो वहाँ पर हमारी कृपा बरसती है। यदि तुम हमारी कृपा के पात्र बनना चाहते हो, तो किसी भी मनुष्य से, पशु पक्षी से, किसी भी चीज़ से, संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करना सीखो। हमने तुम्हें बहुत प्रेम से भरा है। मेरे बच्चे, खुश रहो।